Chameleon Dreams. फायदा हमारी जान है रिजवान, हमारी जान है, लेकिन आज मैं उनको जिम्मेवार कर रहा हूं। यहां पे मसला कुछ इस तरह है ना कि रन रेट को बढ़ा रहे, उसके 5 विकेट 50 रन गिर गई थी, लेकिन वो फिर बैठे क्रिकेट खेल रहे थे, रन रन रेट को बढ़ा रहे थे, टारगेट बना रहे थे। यहां पे इनकी 2 विकेट गिर गई है, यहां सब कुछ खराब हो गया है। रिजवान इस तरह खेल टेस्ट मैच इनको तो पेरिस टट्टी थी ना, हमारी मेडल ऑर्डर तो टी ही नहीं, ये तो बस वैसे 5-5 बंदों को इकट्ठा कर दिया है, उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब इसका हैदर अली मेन बैट्समैन है, वो उसको खिला ही नहीं रहे यार। अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, मतलब हर जो हैदर अली है उसको चांस देना चाहिए था। हैदर अली को लेना चाहिए था, इनको नहीं चाहिए था कि फखर को बार बार टेस्ट करे। नहीं तो नए लड़कों को मौका देना चाहिए, हैदर अली को मौका देना चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं कहेंगे, हम मैच के लिए नहीं आए थे, हम सिर्फ लड़कियों के लिए आए थे। शोएब मलिक को होना चाहिए, प्रेशर के अंडर बहुत अच्छा खेलता है वो, शोएब मलिक को होना चाहिए। फखर ने, आसिफ अली ने, होश दिल ने बहुत जीरो परफॉर्मेंस की है, इन लोगों को मतलब घर बैठना चाहिए और टीवी पर मैच देखना चाहिए। टीम को सोचना चाहिए कि मतलब हम मिडिल ऑर्डर को स्ट्रांग करें और परफॉर्म करें, अगर ये परफॉर्म नहीं करें तो सारा ये हार दे जाएंगे। पाकिस्तान जो है हार गया और रिजवान का जो विकेट गिरा है उसके बाद से मैच कम्प्लीटली टर्न हो गया। जी वो बाबर आजम से एक और भी गलती हुई है कि उन्होंने अपने मेन बॉलर जो नवाज़ है पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन आखिरी फाइनल मैच में उनको सिर्फ आखिर में एक ओवर दिया है, तो वो भी टर्निंग पॉइंट था। और इसके अलावा शादाब हमारा मेन फील्डर है, लेकिन उससे आज बहुत गलतियाँ हुई। जी हम तो इसके लिए आए थे कि पाकिस्तान में जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा प्रेशर पाकिस्तान में आ जाता है तो पाकिस्तान वालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। श्रीलंका वाले की 56 पे आई थिंक 5 विकेट्स गए थे, फिर उन्होंने जो कमबैक किया और रन 171 तक पहुँच गए, तो यह बहुत अनबिलीवेबल सी बात है कि उन्होंने प्रेशर कितना अब्जॉर्व कर दिया एक टाइम पर। श्रीलंका की फील्डिंग बहुत अच्छी थी, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें फाइनल में हम खेलने आए, मतलब देखने आए, इससे ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हारा या जीता है। हमारा जो विनिंग था वो इंडिया से था और अफगानिस्तान से था। बाबर ने एशिया कप में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं किया और बदकिस्मती से रिजवान अच्छा खेलता है, विकेट रखता है, लेकिन मिसिंग बहुत करता है फील्डिंग की वजह से। और दूसरी बात ये है कि रिजवान और इफ्तिखार ने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया, लेकिन वी आर हैप्पी दैट श्रीलंका वॉन द फाइनल मैच। फखर को निकाल दो, इफ्तिखार और इफ्तिखार आसिफ अली और इन सबको हटा दो, बस बस चाहिए।